यस स्टूडेंट्स, दिस इज रौनक मंत्री। आज हम देखने जा रहे हैं हमारा जो चैप्टर ओवर होने वाला था 7, उसके जो कुछ क्वेश्चन आंसर हमारे पेंडिंग रह गए थे, तो उनको हम अभी देख लेते हैं और उनको किस तरीके से कंप्लीट करना है ये मैं आपको बता दूंगा। और उसके अलावा जो कुछ हमारे मॉडर्न पीरियडिक टेबल थी उसको एक बार वापस से रिवाइज कर लेते हैं, क्या क्या उसमें पॉइंट्स थे उनको शॉर्ट में आपको मैं एक बार वापस से एक्सप्लेन कर देता हूँ, जिससे आप अच्छी तरीके से वो ध्यान में रह जाएं। तो इन ग्रुप गोइंग टॉप टू बॉटम, जब अपन किसी ग्रुप में ऊपर से नीचे की ओर जा रहे हैं टॉप से बॉटम की तरफ, तो क्या होता है, सेम नंबर ऑफ वैलेंसी, यानी सेम नंबर ऑफ वैलेंसी नहीं, सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहाँ पे अपने पास होते हैं, सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो मतलब वैलेंसी भी क्या होगी सेम, वैलेंसी भी क्या है सेम। और नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, वैलेंस सेल जो क्या होते हैं इंक्रीज, वैलेंस सेल मतलब जो सर्कल्स बने हैं उसमें, वो सर्कल्स क्या होते हैं जैसे जैसे अपन ऊपर से नीचे की तरफ जाते जाते हैं वो क्या होते जाते हैं इंक्रीज होते जाते हैं, सेल्स इंक्रीज हो रहे हैं, इसका मतलब जो इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट सेल में वो धीरे धीरे बाहर की तरफ जाता जा रहा है, दूर दूर तरफ जाता जा रहा है, तो एटोमिक रेडियस क्या हो रही है इंक्रीज हो रही है ड्यू टू सेल्स आर बीइंग एडेड, क्योंकि एटोमिक रेडियस क्यों इंक्रीज हो रही है, क्योंकि नए नए सेल्स जो हो रहे हैं एड किए जा रहे हैं। एटॉमिक साइज क्या हो रही है इंक्रीज हो रही है, दिखती बात है ऑब्वियसली कि भाई एटॉमिक रेडियस अगर इंक्रीज हो रही है तो एटॉमिक साइज भी क्या होगी पहले के मुकाबले इंक्रीज हो जाएगी। नेक्स्ट इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बताया था मैंने क्या होता है, न्यूक्लियस की वजह से इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज लग रहा है खिंचाव लग रहा है उसको बोल रहे हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, वो क्या हो रहा है इलेक्ट्रॉन दूर जाता जा रहा है पहले से, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता जाएगा हमारे पहले से कम होता जाएगा। और मेटेलिक प्रॉपर्टी क्या हो रही है इंक्रीज हो रही है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे देने की कैपेसिटी क्या होती जा रही है बढ़ती जा रही है, तो मेटेलिक प्रॉपर्टीज पहले के मुकाबले क्या हो जाएगी इंक्रीज हो जाएगी। नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टीज जस्ट अपोजिट होती है मेटल की प्रॉपर्टीज के, तो अभी नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टीज क्या हो जाएगी पूरी तरीके से डिक्रीज हो जाएगी। तो ये तो बात थी हमारे ग्रुप में किस तरीके से क्या क्या चीजें इंक्रीज हो रही क्या डिक्रीज हो रही। नेक्स्ट आ रहा है पीरियड्स गोइंग टू लेफ्ट टू राइट, यानी कि पीरियड्स में क्या होता है लेफ्ट से राइट जा रहे हैं तो क्या चीजें बढ़ती है और क्या कम होती है, इनके बारे में अपन देखने जा रहे हैं। तो फिर नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इंक्रीज, हमारे पास क्या होता है इसमें नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं इंक्रीज हो रहे हैं, यानी कि नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो रहे हैं तो वैलेंसी भी इंक्रीज हो रही है, वैलेंसी इंक्रीज हो रही है। अब वैलेंसी इंक्रीज हो रही है तो मतलब न्यूक्लियस के वजह से जो खिंचाव लग रहा है वो क्या हो रहा है बढ़ रहा है, तो रेडियस क्या होगी कम होगी। एटॉमिक रेडियस डिक्रीज ड्यू टू इंक्रीज न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होने की वजह से एटॉमिक रेडियस क्या हो जाएगी हमारी पहले से कम। एटॉमिक साइज डिक्रीज, एटॉमिक साइज क्या हो रही है डिक्रीज हो रही है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या हो रहा है पहले से बढ़ रहा है। मेटेलिक प्रॉपर्टीज डिक्रीज, मेटेलिक प्रॉपर्टीज क्या हो रही है डिक्रीज हो रही है जब अपन लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहे हैं, फिर मेटेलिक प्रॉपर्टीज अगर डिक्रीज हो रही है तो नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टीज क्या होगी इंक्रीज ही होगी। फिर आ रहा है इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, आयनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ये तीनों चीजें क्या होगी इंक्रीज होगी, क्यों, क्योंकि एटॉमिक साइज क्या हो रही है डिक्रीज हो रही है, और ये तीनों क्या होती हैं एटॉमिक साइज के इनवर्स प्रोपोर्शनल होती हैं, यानी कि अगर एटॉमिक साइज बढ़ती है तो ये तीनों क्या होगी घटेगी, और एटॉमिक साइज अगर कम हो रही है तो फिर ये तीनों क्या होगी बढ़ेगी। तो ये तो थी अपने बात कि अपने ग्रुप में और पीरियड्स में किस तरीके से क्या क्या चीजें बढ़ती है और क्या चीजें कम होती हैं। ये हमारा चैप्टर यहाँ तक कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद आता है अपने क्वेश्चन आंसर्स के बाद, तो क्वेश्चन आंसर्स किस तरीके से हैं मैं आपको एक बार इस तरीके से समझा देता हूँ, इनको किस तरीके से लिखना है वो आप लोग नोट करें और जो भी प्रॉब्लम आए वापस से मुझसे पूछ लें, और एक्स्ट्रा जो भी क्वेश्चन बाकी के हैं उनको भी आपको करने हैं, उनमें भी कोई प्रॉब्लम लगे तो वापस से पूछ लें। अपन देखने जा रहे हैं फर्स्ट क्वेश्चन, राइट द थॉमसन मॉडल, थॉमसन का मॉडल देखते हैं, थॉमसन का मॉडल राइट करना है। थॉमसन का मॉडल में क्या था कि जो पूरा स्फीयर है एटम का वो पॉजिटिव चार्ज से घिरा हुआ है, यानी पूरे एटम में पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं बीच बीच में कुछ पार्टिकल्स के रूप में प्रेजेंट होते हैं। एग्जाम्पल से अपन इसको समझना चाहें तो हम ले सकते हैं वाटरमेलन का, वाटरमेलन में जो रेड पार्टिशन होता है पूरा वो क्या होता है
पॉजिटिव चार्ज, और इसमें जो बीच में कुछ कुछ बीज पाए जाते हैं उनको बोलेंगे अपन इलेक्ट्रॉन। वो ये तो बात हो गई हमारे थॉमसन के मॉडल की। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। मॉडर्न पीरियोडिक लॉ क्या होता है? मॉडर्न पीरियोडिक लॉ के अकॉर्डिंग जैसे कि द जो केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं एलिमेंट्स की, वो क्या होती हैं? पीरियोडिक फंक्शन होती हैं किसी भी एटॉमिक के एटम के एटॉमिक नंबर के। तो इसको अपन लैंग्वेज में इस तरीके से लिखते हैं, एलिमेंट्स या फिर केमिकल प्रॉपर्टीज एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। आगे दे रखा है कि मेंडेलीफ का पीरियोडिक लॉ लिखना है। इसमें जस्ट केवल एक ही डिफरेंस है, एटॉमिक नंबर की जगह एटॉमिक मास रहेगा। केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन टू देयर एटॉमिक मास। मेंडेलीफ की बस एक ही मिस्टेक थी कि इन्होंने एटॉमिक मास यूज किया था और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में एटॉमिक नंबर यूज किया गया, जिससे सब कुछ सही ढंग से अरेंज हो गया। क्वेश्चन नंबर 4, गिव द पोजीशन ऑफ मेटल नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मेटल नॉन मेटल और मेटलॉइड्स की हमें पोजीशन बतानी है कि इनके अंदर क्या क्या होती हैं। तो इसको समझने के लिए क्या करेंगे, हम हमारे टेबल देखते हैं। टेबल में लेफ्ट हैंड साइड में क्या चीज आती है हमारे पास? मेटल्स। राइट हैंड साइड में नॉन मेटल्स, और बीच में झिकझिक शेप होता है उसके साथ में जो एटम्स होते हैं या एलिमेंट्स होते हैं वो होते हैं मेटलॉइड्स। मेटलॉइड्स क्या करते हैं? मेटल्स और नॉन मेटल्स को दो पार्टीशन में डिवाइड करने का काम करते हैं। अब यहाँ से ये एक चीज भी पता चलती है, अगर मेटल से नॉन मेटल की तरफ अपन जा रहे हैं यानी लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो नॉन मेटलिक प्रॉपर्टीज इंक्रीज होनी है, अगर नॉन मेटल से मेटल्स की तरफ जा रहे हैं यानी राइट टू लेफ्ट जा रहे हैं तो मेटलिक प्रॉपर्टीज इंक्रीज होनी है। इस तरीके से अपन समझ सकते हैं और उसको लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास बन रहा है, एक्सप्लेन पीरियोडिसिटी इन इलेक्ट्रॉन गैन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गैन एंथैल्पी को समझाना है तो उसके लिए देखिए, ऊपर से नीचे यानी ग्रुप में, ग्रुप टॉप टू बॉटम में क्या होता है कि भाई अपने पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो क्या है, सेम है, लेकिन सेल्स क्या होते जा रहे हैं, ऐड होते जा रहे हैं, तो सेल्स बढ़ते जा रहे हैं तो वैलेंस तो साइज क्या होती जा रही है, पहले के मुकाबले बढ़ती जा रही है। साइज बढ़ने की वजह से क्या हो रहा है, उसकी जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होगी वो क्या होगी, कम होगी। क्योंकि मैंने आपको बताया इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होती है, हमारी इनवर्स प्रोपोर्शनल होती है पीरियोडिक, ये इनवर्स प्रोपोर्शनल होती है एटॉमिक साइज के, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास कैटायन इज स्मॉलर देन इट्स न्यूट्रल एटम। कैटायन क्या होता है, स्मॉल होता है, छोटा होता है इसके न्यूट्रल एटम के। एंड एनायन इज बिगर देन इट्स न्यूट्रल आयन। बिग आयन जो होता है ये एनायन जो होता है बड़ा होता है उसके न्यूट्रल एटम से। इसका रीजन सीधा सा है कि कैटायन एक इलेक्ट्रॉन देने की वजह से बन रहा है तो पॉजिटिव, क्योंकि इसमें एक इलेक्ट्रॉन देते हैं साइज क्या हो जाएगी, पहले से छोटी। और एनायन क्या कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन ले रहा है यानी कि ले रहा है तो पहले साइज क्या हो जाएगी, बड़ी। तो इस वजह से ये क्या होता है, बड़ा, और कैटायन होता है न्यूट्रल एलिमेंट से छोटा। नेक्स्ट है, हाउ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स शो पीरियोडिसिटी इन पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिसिटी पीरियोडिक टेबल में किस तरीके से दर्शाई जाती है उसको देख लेते हैं। इन इनकी एटॉमिक रेडियस, एटॉमिक रेडियस में आपको बता चुका हूँ पहले, फिर भी एक बार वापस से देख लें कि जैसे ऊपर से नीचे अपन जा रहे हैं किसी ग्रुप में टॉप टू बॉटम, तो वैलेंस सेल इंक्रीज हो रहे हैं, वैलेंस सेल इंक्रीज हो रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, दूर जाता जा रहा है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम हो रहा है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम हो रहा है तो साइज क्या हो रही है, बढ़ रही है, यानी कि रेडियस बढ़ रही है। लेफ्ट टू राइट में जैसे इसका अपोजिट, वैलेंस इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं यानी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ रहा है, यानी कि जो हमारे पास है वे साइज है वो क्या हो रही है, कम हो रही है, तो एटॉमिक रेडियस भी क्या हो रही है, कम हो रही है। नेक्स्ट है आयनाइजेशन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। आयनाइजेशन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एंथैल्पी या फिर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी जो क्या होती है, इनवर्स प्रोपोर्शनल होती है एटॉमिक साइज के। अगर एटॉमिक साइज इंक्रीज हो गई तो ये क्या होगी, डिक्रीज होगी। ग्रुप के लिए सेपरेट बताएं और पीरियड के लिए सेपरेट, इन दोनों के लिए अलग अलग बताएं। तो इस तरीके से अपना क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। तो ये हुआ हमारा चैप्टर कंप्लीट, इसके क्वेश्चन आंसर भी हो गए। और फिर भी आप लोगों को कुछ प्रॉब्लम रह जाए रिलेटेड टू इस चैप्टर के तो वापस से पूछ लें, मैं आपके प्रॉब्लम वापस से सॉल्व कर देंगे।
और तो नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर होगा हम हमारी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, आज की क्लास हमारी यही होगा होती है।